हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि विवेक मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है 1 अगस्त और टाइम हो रहा है शाम का 4 बजता है और मैं आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरा लंच पंच ये सब हो चुका है और बस अभी हम बैठ के बातचीत कर रहे थे। अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, मैं उनसे बात कर रही थी और बाबू अभी खेल रहा है मेरा। और आज मेरी फ्रेंड आने वाली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मैं सोच रहा है यहीं तक मार्केट में जाएं। मैंने एक सूट पीस लिया है, उसे सिलने के लिए देना है। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैंने कौन सा सूट पीस लिया है। और अंकिता स्कूल से आ चुकी है और यह स्कूल से आ गया है, इसलिए मैं आपसे अंकिता को मिलवाती हूँ। और वो किस स्कूल में पढ़ती हो बताओ? कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है? ब्रह्मपुरा रंगली। किस क्लास में हो तुम? 6A। आज स्कूल में क्या क्या हुआ? आज स्कूल में पढ़ाई हुआ। खेल भी नहीं रहा? नहीं, मेरे स्कूल में खेल नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई होता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। हल्की हल्की हवाएं चल रही है, हल्का हल्का सा धूप पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ आज का वेदर। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है आज। ये मेरे घर का बालकनी है, ये रूम का खिड़की है। चलता है, देखिए सामने कहाँ जाते हैं। अगर जाएंगे तो आप लोग वो साथ लेके जाएंगे। और मेरी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है आज, उससे भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए और मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है। फ्रेंड सुषमा, हाय। मार्केट जा रहे हैं अभी, मेरा सूट देना है सिलने के लिए। और देखिए क्या क्या होता है, आपको तो भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये है वो सूट जिसे मैं सिलने के लिए देने जा रही हूँ। ये इसका पूरा लुक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और इसका प्राइस है 1145 और यहीं है कि लोकल दुकान से मैंने इसे ख़रीदा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। और हम लोग यहाँ निकल चुके हैं और ये यहाँ का लोकल मार्केट है, बैरिया गोलंबर। शाम के टाइम पे यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। और ये है अप्सरा टेलर, इसी के यहाँ मैं अपना सूट सिलने के लिए देने आई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बाहर में लेडीज कॉर्नर है और अंदर में टेलर है। और ये टेलर मास्टर जो है वो मेरे सूट का नापी ले रहे हैं। मेरे पास एक पहले से बहुत ही अच्छे फिटेड सूट थी, मैंने उसी का मेजरमेंट दिया है सूट के लिए, उसी का मेजरमेंट ले रहे हैं टेलर। ये बाहर में लेडीज कॉर्नर है। मैं बता रही हूँ कि मैं बाजू कैसे बनाने हैं। और ये रखी दे चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे चाट खाने आए हैं, मैं और सुषमा। और ये हमारा चाट आ गया है, यहाँ का चाट बहुत ही टेस्टी होता है। और अब हम लोग चाट इन्जॉय करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि विवेक मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज 2 अगस्त है और टाइम हो रहा है दोपहर का, 3 बज रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। आज मुझे एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, निकी के यहाँ ने बुलाया था और सुषमा आ रही है मुझे लेने। और कल का ब्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि आने जब मैं गई मार्केट और वहाँ से आई तो बाबू बहुत रोने लगा था, इसलिए मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। तो मैं सोचा कि आज ये ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर दोनों को ऐड करके एक साथ डालूँगी। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं सुषमा का वेट कर रही हूँ कि वो कब आए और मैं
लंच वगैरह हो चुका है, अंकिता भी स्कूल से आ गई है, सब लोग घर ही में हैं। देखिए आज मैं यहाँ जाके और क्या क्या मस्ती करती हूँ, सब लोग मिलके, सब फ्रेंड्स मिलके क्या क्या मस्ती करते हैं हम लोग, और मैं आप लोग को दिखाऊंगी हम लोग वहाँ क्या क्या कर रहे हैं। जितना सोच पाए हो पाएगा मैं करूँगी। ये धैर्य है मेरे गोद में खेल रहा है, इसे मैं लेकर नहीं जाऊंगी निक्की के यहाँ, ये अपनी नानी के पास रहेगा, उनके साथ मस्ती करेगा, है बेटा? देखो देखो, तो फ्रेंड्स सुषमा आ गई है, हाय, और हम निकल रहे हैं निक्की के यहाँ के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकल चुके हैं निक्की के यहाँ के लिए, और हम जा रहे हैं, और ये हम लोग निक्की के यहाँ पहुँच गए हैं। और सब फ्रेंड्स आ चुकी हैं, मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। सुषमा अपना बाल ठीक कर रही है कि हम बैठी हुई है, और ये निक्की हम लोग के लिए चाय नाश्ता लेके आई है, और हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली चाय हम नहीं पीते हैं, चाय नहीं था, कोल्ड ड्रिंक था। बहुत ही मस्ती की हम लोग ने वहाँ पे, बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले थे, फ्रेंड से मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड से मिल के। बहुत ही मज़ा आया था कल, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सब बैठे हुए बहुत ही मस्ती हुई, सब हंस रही हैं। हम लोगों ने टिकटॉक पे वीडियो भी बनाया था, वो भी मैं लास्ट में डाल दूंगी, आप देखना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो वो लाइक भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सबको इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा इस वीडियो में। और यहाँ पे निक्की, किरण और सुषमा नाश्ता एंजॉय कर रही हैं, समोसे हैं नाश्ते में, और यहाँ मैं हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं निक्की के घर आ चुकी हूँ, कर रहे हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे हैं, और अभी मैं छत पे आई हूँ निक्की के, और यहाँ धूप भी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, अच्छा मौसम है। और मैं अब आप लोगों को अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी, सुषमा से तो आप लोग मिल ही चुके हैं जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और निक्की भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और किरण भी, उन लोगों से भी मैं आपको मिलाऊंगी। अब मैं आप लोगों को अपनी फ्रेंड से मिलाऊंगी। ये है सुषमा, इससे तो आप लोग मिल ही चुके हैं, और ये किरण है, हाय, और ये निक्की। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, हम लोगों ने टिकटॉक का वीडियो भी बनाया, वो भी मैं डाल दूंगी लास्ट में। लाइट चली गई। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकल रहे हैं, और जो सुषमा सेल्फी ले रही थी, टाइम हो रहा है 5:00, और हम लोग निकल रहे हैं। तो अब हम लोग निक्की घर से निकल चुके हैं, और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे मांग में प्रसिंदूर
अच्छे से भरा हुआ है। यहाँ पे ऐसा नियम होता है कि जब शादीशुदा लड़की घर से मतलब जा रही होती है तो सिंदूर लगाना होता है। तो अब मैं निकल चुकी हूँ और मेरे साथ किरण है, यहाँ इधर सुषमा है और लड़की है। पूरा पानी लगा हुआ है बारिश की वजह से। किरण और की बाय करके चली गई और मैं और सुषमा जा रहे हैं मेरे घर। फिर वहां से सुषमा अपने घर जाएगी। फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, बाय।